नॉन स्ट्राइक स्नेहल आहे, ऑन स्ट्राइक स्नेहा आहे. आणि बॉलर हा श्रेया ऑन स्ट्राइक, स्नेहल नॉन स्ट्राइक अँड बॉलर साक्षी गोगळे. काही नाही, इथे मिनिमम चार पाहिजे, ऑफ साइड ला मिनिमम चार पाहिजे. Read batsman. Over. Thank you.
Vedanti. बता दूं, अब तू जब बैटिंग करेगी तो तू नहीं भागेगी, तू भी भाग गई, वो भी भाग गई, तो वो रन आउट कर सकती हैं। भाई गाना वाना लगा बीच बीच में से। और ये बढ़िया शॉट, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स एंड टू रन फॉर द टीम। नाउ आफ्टर थ्री ओवर स्कोर इज 21 फॉर लॉस ऑफ नो विकेट। वेरी गुड स्टार्ट। Thank you.
Hello, next baller Renuka. Renuka. Renuka Burude. Renuka ने पिछले मैच में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी और ये बहुत बढ़िया शॉट और ये लगा और ये गेंद जा रही है और ये बहुत बढ़िया फील्डिंग और दो रन निकाले भाग के, तीन भी हो सकते थे। वेरी गुड फील्डिंग, अपनी टीम के लिए दो रन बचाए। और ये वाइड, और श्रेया पीछे से इंस्ट्रक्शन देती हुई, और ये बहुत बढ़िया शॉट और ये उतनी अच्छी फील्डिंग और बहुत बढ़िया थ्रो। वेदांती एकदम चुस्त फुर्त, श्रेय ऑन स्ट्राइक और ये कैच हो सकता था बट गरीबों का मोहम्मद रफी, समीर का यहाँ पर आगमन हुआ है साथ साथ में माइकल क्लेडहुनकर, वेलकम। और बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग, और ये बहुत बढ़िया कैच, अक्षरा विंगारकर के लिए हुआ, ये उसका अपने जीवन का 314वां कैच था। और इसी के साथ रेणुका के 500 विकेट पूरे। नेक्स्ट बॉलर कटारिया, संस्कृति बॉलर संस्कृति कटारिया। वेरी गुड बॉल, CAPL 2022 की संस्कृति सबसे महंगी प्लेयर साबित हुई है, 25 करोड़ में उनको खरीदा गया। ओहो, और ये वाइड, बहुत अच्छी गेंद, और ये वाइड, और ये बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन दो रन रोक नहीं पाए। उसको स्ट्राइक पे आने नहीं दिया उसको।
बहुत बढ़िया विकेट श्रेया का स्कोर। Ankita to ball. Match mein thoda twist. Sanskruti field set karte hue. Aur ye pukya. और ये बहुत बढ़िया शॉट और रेणुका भागते हुए और अपने टीम के लिए दो रन तो बचाए, लेकिन बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन। और ये वाइड, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग बाय रेणुका। और आज बॉलिंग में काफी सुधार हम देख रहे हैं, यहां पर गेंद टप्पे टप्पे से नहीं, लेकिन गेंद डायरेक्टली बल्लेबाज तक पहुंच रही है। और ये शानदार बोल्ड, इस विकेट को आप स्क्रीन पर देखते हैं। सेट कर दिया है अभी, रिद्धि ऑन स्ट्राइक, धुआधार बल्लेबाज, और ये फ्री हिट है इसलिए नॉट आउट। रिद्धि डरने की जरूरत नहीं है, ये पहला बॉल फ्री हिट था उसके लिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग, अंकिता बैटर का फर्स्ट बॉल था तेरा नहीं, हाँ ना फिर ओवर खत्म हो गया। Thank you.
और ये वाइड और ये बहुत अच्छा शॉट है, देखना है। और ये बहुत अच्छी फील्डिंग रेणुका की। गुड मॉर्निंग रेणुका अपनी टीम की सबसे बेस्ट फील्डर साबित होती हुई। अब तक उसने कुल मिलाकर 140 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और ये कैच हो सकता है लेकिन नहीं, और क्योंकि रेणुका के पास बॉल था तो सिर्फ एक ही रन। और बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा प्लेसमेंट, ड्राइव किया वहां पर और एक रन। और ये बहुत बढ़िया, और एक फिर से एक बार कैच हो सकता था लेकिन नहीं, और इस बार रेणुका से मिसफील्ड। दो रन, बहुत बढ़िया थ्रो। फील्डिंग बड़ी चुस्त, फ्लाइंग स्क्विरल ने काफी प्रैक्टिस की है, काफी मेहनत की है। एंड नाउ स्नेह मैम इज फॉर बॉलिंग। स्नेह मैम ने पिछले मैच में, और ये बहुत बढ़िया शॉट है यहाँ पर, और रेणुका की एक बार फिर से बहुत बढ़िया फील्डिंग। मुझे लगता है सिर्फ बॉलर, बैट्समैन और रेणुका तीन लोग ही काम कर रहे हैं। अरे वाइड, शनि सर का आगमन यहाँ पर, हमारे परेश बोरा सर भी यहाँ पर, हार्दिक स्वागत आप दोनों का। और ये नो बॉल, और ये बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पर, लेकिन गेंद से ऊपर गई, लंबी नहीं गई। एक रन अपनी टीम के लिए। और ये बहुत अच्छा शॉट, और रेणुका अकेले ही फील्डिंग करती हुई। इस टीम में शायद हमें एक ही फील्डर की जरूरत है। दो रन, अरे रन हो सकता था लेकिन नेक्स्ट बॉलर आकांक्षा गहिरवाल। And wide, sorry, dead ball.
Very good ball. और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. ओहो बहुत बढ़िया शॉट था रिद्धि का. ये अलका मैम की शानदार रनिंग. और काफी अच्छी गेंद और उससे भी अच्छी विकेट कीपिंग. नौ ओवर के बाद स्कोर है 51. दोनों बल्लेबाज आपस में स्ट्रेटजी तय करते हुए. नाम क्या है आपका? और गेंदबाज नेक्स्ट बॉलर प्रज्ञा. और बहुत बढ़िया शॉट कैच का कॉल लेकिन सेफली लैंडेड इन नो वुमेन्स लैंड. और काफी अच्छी गेंद और 22 के दो रन. और काफी अच्छा शॉट. देखना होगा चार रन होंगे या नहीं. और ये चार रन इधर जा रहा है. काफी अच्छी बिल्डिंग लेकिन देखना पड़ेगा एक्शन रिप्ले के अंदर कि ये चार रन हुए या नहीं. चार रन. काफी बढ़िया शॉट रिद्धि का. बहुत बढ़िया शॉट. लेकिन फील्डर ने भी काफी अच्छे एफर्ट्स लिए. और बहुत बढ़िया शॉट. देखना होगा ये दो रन ले पाते हैं नहीं. और सेकंड का कॉल है और देखना पड़ेगा ये रन आउट कर पाते हैं नहीं. और ये सेफली पहुंच गए. और आज के वक्त में चुस्त और तंदुरुस्त फील्डिंग की जरूरत है जो कि नहीं हो पा रही है. बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बढ़िया. और ये वाइड गेंद. बहुत बढ़िया शॉट. देखना होगा कैच कर पाते हैं नहीं. और एक कैच की बहुत बढ़िया कोशिश. देखना होगा चार रन हो पाते हैं नहीं. लेकिन नहीं बॉल रुक गई. आउटफील्ड इतनी तेज नहीं है. और ये दौड़ के दो रन. तीसरा रन पूरा कर दिया. और देखना होगा ये चौथा रन पूरा कर पाते हैं नहीं. लेकिन नहीं किया. अब लग रहा है कि बल्लेबाज और फील्डर दोनों के दोनों थक चुके हैं. रिद्धि अपने टीम के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर साबित होती हुई. और स्कोर सिक्सटी फोर हो चुके हैं. सुपर वाइड. ये इतना बड़ा वाइड था कि इसके लिए दो रन दिए तो भी चलेंगे एक्स्ट्रा के. बहुत बढ़िया शॉट. काफी बढ़िया शॉट. और एक रन
सेकंड का कॉल नहीं से, और ये दूसरे रन के लिए निकल पड़े और काफी सुस्त फील्डिंग, लेकिन गेंदबाज का बहुत बढ़िया थ्रो, लेकिन ये थ्रो 2 मीटर की दूरी पे था और रिद्धि रिटायर्ड आफ्टर 15 रन्स। गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बल्लेबाजी करके पवेलियन की तरफ लौट रहा है, लेकिन ये आउट होके नहीं, 15 रन का अपना कोटा कंप्लीट करके पहुंच रहा है। नेक्स्ट बैट्समैन रितिका। बॉलर श्रुति। वेदांती ने उसे कुछ बहुत टिप्स दिए हुए और ये काफी बढ़िया शॉट, और देखना होगा कितने रन निकाल पाते हैं। दूसरा रन तो पूरा कर लिया है और दूसरा 2 रन पे ही संतुष्ट। इतना स्लो आउटफील्ड है, ये 3 रन भी हो पाते थे, लेकिन कोई बात नहीं। अगले गेंद के लिए रेडी, और फील्ड में कुछ चेंज होता हुआ और फील्डरों की कुछ स्ट्रेटेजी बनती हुई अगले 4 गेंदों के लिए। अब गेंदे सिर्फ 4 बाकी है, आप बना बना के क्या स्ट्रेटेजी बना लोगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। और बल्लेबाज भी अपने आपस में स्ट्रेटेजी बनाते हुए। 10 ओवर और 1 गेंद के बाद स्कोर है। सर स्कोर क्या हुआ? सर स्कोर है 69। अब मैच की 4 गेंदे बाकी है, पहले पारी की 4 गेंदे बाकी। चला 2 बॉल बाकी है। और ये काफी ज्यादा समय बिताते हुए, ये जो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार टीम को 5 पेनल्टी रन लगने वाले हैं। अभी अभी स्कोरर ने बता दिया है, अगले 5 सेकंड में अगर गेंद नहीं गिरती है तो ये पेनल्टी रन 5 की जगह पे 10 हो जाएंगे। और बहुत बढ़िया गेंद, बोल्ड होते होते बच गए, विकेट कीपिंग काफी अच्छी। बहुत बढ़िया शॉट और कैच की तक कोशिश की गई, लेकिन कैच नहीं हो पाया। अंकिता ने कैच ड्रॉप कर दिया। अंकिता आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। सर एक और मैच की आखिरी गेंद, आप देखना पाई चाहिए कि भैया 75 पर कर पाते हैं नहीं पार। सर स्कोर कितनी है? स्कोर है 70। ये आखिरी गेंद मैच की और बहुत बढ़िया शॉट, और देखना होगा 4 रन हो पाते हैं नहीं, और 4 रन और इस चौके के साथ इनिंग की समाप्ति, और स्कोर हुआ है 74। गंगनम स्टार बहुत बढ़िया शॉट, और ये इनिंग की समाप्ति
सेकेंड इनिंग फर्स्ट बॉल और इनिंग की शुरुआत पहली गेंद और बहुत बढ़िया शॉट देखते हैं कैच हो पा और बढ़िया आउट बहुत जबरदस्त शुरुआत लेकिन ये प्री हिट था इतना सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है ये प्री हिट था आपने आपके खुशी का कुछ ज्यादा इजहार कर लिया इसको जरा पेंडिंग रखो लेकिन एक रन पूरा स्ट्राइक चेंज फिर एक बार प्री हिट लेकिन हमें आपका जज्बा अच्छा लगा कि जो आपने कैच पकड़ा पहली गेंद के ऊपर तो ये दर्शाती है सामने वाली टीम को कि आप पूरे तैयार हो और बहुत बढ़िया शॉट और एक बार कैच की कोशिश लेकिन नहीं हो रही गेंद आगे जाती हुई गेंद आगे फील्डर पीछे गेंद आगे फील्डर पीछे और ये दो रन पूरे और ये तीसरे रन के लिए और तीसरे रन के लिए निकल पड़े और अभी तक भी गेंद और बल्ले गेंदबाज का कोई मुकाबला नहीं कोई सामना नहीं और तीसरे गेंद के लिए रेडी बहुत बढ़िया शॉट और एक बार कैच का कॉल और ये कैच होते होते छूट गया और एक रन पूरा और दूसरे रन के लिए निकल पड़े और ये थ्रो में कोई जान नहीं अभी तक गेंदबाज के हाथ में बॉल आया नहीं है और दो रन हो चुका है और काफी अच्छी गेंदबाजी प्रसाद सर आपको क्या लगता है ये जो एक के जगह पे दो रन निकल रहे इसके लिए क्या कारणीभूत है इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट या धीमे गति की फील्डिंग दोनों ही सर बहुत बढ़िया शॉट और देखना होगा इस बार ये दो रन ले पाते हैं या नहीं और दो रन के लिए निकल पड़े और यार आउट अंपायर के पास अपील की गई है अंपायर फैसला लेंगे अंपायर का फैसला क्या है ये देखना होगा इसके लिए एक्शन रिप्ले देखना होगा स्क्रीन के ऊपर और ये अंपायर का फैसला आउट पहली विकेट रन आउट के रूप में थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा चल रही थी प्रसाद जी के साथ के एक के जगह पे जो दूसरा रन ले रहे हैं इसके लिए क्या वजह हो सकती है ये थ्रो को नहीं खेला है नाउ रितिका थ्रो बाय रितिका फंटास्टिक थ्रो और आपने ये जो थ्रो किया हुआ है इसके लिए वजह से अहमदनगर ब्रांच के जो हमारे अपकमिंग कमेटी मेंबर है प्रसाद जी पुराणिक उनके तरफ से 21 रुपीज का प्राइस सर और इसमें से TDS कटने वाला है GST लगने वाला है बैटर बैटर का नाम क्या है न्यू बैट्समैन अंकिता सर वन बॉल लेफ्ट का एक बॉल फोर ओवर और बैट्समैन वार्म अप करते हुए नेक्स्ट बॉलर अलका क्या नाम अलका आकांक्षा और बहुत बढ़िया गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं बल्लेबाज को चाहिए कि गेंद के ऊपर अपनी तीखी नजर रखे नजर काफी तेज चाहिए ये गेंद घूम रही है स्पिन हो रही है गेंद और बहुत बढ़िया गेंदबाजी और 22 के दो रन क्योंकि गेंदबाजी तो बढ़िया थी लेकिन विकेट कीपिंग उतनी अच्छी नहीं हुई मतलब गेंदबाज के अच्छे एफर्ट्स को विकेट कीपर ने दो रनों में तब्दील कर दिया अफसोस ये दो रन ये एक रन आपको महंगे साबित हो सकते हैं बाद में और एक बार बहुत बढ़िया गेंदबाजी और उसी के साथ गेंद का और बल्ले का कोई संपर्क नहीं बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहा है कि गेंद किस दिशा में आ रही है काफी अच्छी स्पिन हो रही है गेंद ओके बहुत बढ़िया शॉट देखना होगा दो रन कर पाते हैं या नहीं और काफी खराब असाधारण दर्जे की फील्डिंग
और एक बार एक की जगह पे दो रन ले ली, जहां पर सिर्फ एक रन मिलना चाहिए था वहां पर दो रन दौड़ के ले लिए। गेंदबाजी तो काफी अच्छी चल रही है, लेकिन गेंदबाज को विकेट कीपर और फील्डर का उतना समर्थन नहीं मिल रहा है एफर्ट्स के रूप में। आखिरी गेंद ओवर की और ये डेड बॉल, वाइड बॉल। इस ओवर में जितने रन बैट से नहीं निकले उससे एक्स्ट्रा रन निकल गए, इस ओवर में एक्स्ट्रा चार रन मिल चुके हैं। बहुत बढ़िया शॉट, देखना होगा कैच पकड़ पाते या नहीं, लेकिन कैच पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन फील्डिंग रितिका द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग और थ्रो काफी अच्छा, इन्होंने अपनी टीम के लिए एक बहुमूल्य रन बचाया हुआ है। जो एक गेंद पहले फील्डर ने मिस फील्ड करके एक रन ज्यादा दिया था उसका हर्जाया आपने भर दिया है रितिका, वेरी गुड। नेक्स्ट बॉलर रिद्धि, आपकी अच्छी फील्डिंग की वजह से स्कोर। बहुत बढ़िया शॉट और देखना होगा ये चार रन हो पाते नहीं है और ये दो रन डिक्लेयर्ड। आपको भागने की जरूरत नहीं और स्ट्राइक चेंज होने वाली नहीं है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी और देखना होगा ये चोट लगी है या नहीं, कहां तक चोट लगी हुई है और बैट्समैन ने कोई मेडिकल हेल्प डिमांड नहीं की हुई है। ये गेंदबाजी करने वाली टीम के शोएब अख्तर बहुत बढ़िया शॉट और रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी और एक रन पूरा, और इस बार फील्डिंग भी सरप्राइजिंगली काफी अच्छी और मैदान में इस वक्त एक गेंदबाज और 11 फील्डर है, 11वां फील्डर हमारे कैमरा मैन है। अगली गेंद के लिए तैयार और इस मैच में काफी अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि भाई सब कुछ फास्ट हो रहा है, कम वक्त में मैच हो रही है। अभी तारीफ की मैंने और अभी आपने एक्स्ट्रा गेंद डाली, कहीं चांगल मनाव का नहीं ऐसा चले, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। और ये और एक वाइड गेंद, अरे कमाल करते हो आप भी, ये वाइड वाइड वाइड। अब अंपायर को चिंता वाइड गिने या डेड मिस्टर रेड, क्योंकि उन्होंने लाल कपड़े पहने हुए। बहुत बढ़िया गेंद और इस बार लीगल डिलीवरी और ये दो रन हो पा रहे हैं नहीं, ये नहीं 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 नहीं, बल्लेबाज इंतजार कर रहे थे कि स्क्रीन को गेंद लगे और दो रन डिक्लेयर हो जाए, लेकिन आपने इंतजार करने में देर कर दी और अगर आप इंतजार न करते हुए अगले रन के लिए दौड़ते तो शायद आपकी टीम के रन में एक रन का इजाफा हो जाता। तीन ओवर के बाद स्कोर है 23, तीन ओवर के बाद स्कोर है 23। अब 8 ओवर में अगले गेंदबाजी के लिए आकांक्षा तैयार, आकांक्षा बहुत बढ़िया शॉट और काफी अच्छी फील्डिंग, लेकिन सिर्फ एक रन से संतुष्टि करना पड़ेगी, दूसरा रन वो अपने रिस्क के ऊपर दौड़ सकती है क्योंकि अभी इनके फील्डिंग में काफी चुस्ती स्फूर्ति आ चुकी है। और ये डेड बॉल, पिछले ओवर से डेड बॉल और वाइड बॉल में इजाफा होता हुआ। काफी अच्छा शॉट, कैच करने की कोशिश और नहीं,
सिर्फ एक रन से संतुष्टि करना पड़ेगी और हमको लगा था कि ये डेड बॉल है अंपायर बहुत बढ़िया शॉट दो रन ऐसा लग रहा था ये शोएब अख्तर ने बाउंसर डाला है और इस बाउंसर का करारा जवाब हमारे सचिन तेंदुलकर ने दिया हुआ है अगर यहां पर स्क्रीन नहीं होती तो चार रन भी मिल जाते बहुत बढ़िया शॉट और ये कैच करने को देखना होगा ये ओरो चौका होता है या नहीं है और ये ओरो महावीर चौका बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करने वाली टीम अंकिता भाटिया इज ऑन 14 अगला रन बनाते ही आप रिटायर होने वाले हैं तो कोशिश करें कि आप छक्के के साथ जाएं और ये गेंद लीगल है या नहीं अंपायर 22 के दो रन मुझे लगता है स्कोरबोर्ड में एक्स्ट्रा रन का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ओवर की समाप्ति दूसरे स्पॉन्सरर सुरभि हॉस्पिटल कराचीवाला ग्रुप या सगळ्यांचे अहमदनगर आयसीआयच्या वतीने हार्दिक आभार आपल्या सपोर्टमुळेच हा इव्हेंट सक्सेसफुल होऊ शकतोय असाच आपला सपोर्ट कायम आमच्यावरती राहू द्या नेक्स्ट बॉलर शीतल बॉलर नेक्स्ट बॉलर इज शीतल 35 balls, 42 required. मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ और एक बार ये वाइड बॉल फिर वही पुरानी कहानी फिर वही दिल आया हूं और फिर वही हाल हो रहा है वाइड गिनिया गिनिया डेड टप्पे गिनिया गेंद स्कोर है 43 सॉरी और एक बार दो रन लेकिन ये रन बल्लेबाज को मिलेंगे स्कोर है 36 टॉस करून घ्यायचा का जीतने के लिए 39 रिक्वायर्ड और बहुत बढ़िया गेंद बहुत बढ़िया रन और दो रन अमोल अमोल कासोळे कैप्टन CSK टॉस साठी यावं लवकर अमोल CSK के कप्तान अमोल कासोळे बाथरूम में बहुत बढ़िया शॉट और देखना होगा कैच पकड़ पाते हैं नहीं लेकिन कैच तो नहीं लेकिन अभी रन बचाओ स्कोर है 38 दो रन पूरे कोशिश की गई और थोड़ा 15 रन पे रिटायर्ड और रिटायर्ड वेट 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 श्रुति थोरात रिटायर्ड 15 कंप्लीट अभी अगला ही रन बनाते हुए आकांक्षा सॉरी अंकिता भी रिटायर होने वाली है टॉस अंपायर से रिक्वेस्ट है कि एक
दस बल ठीक सीएसके और केएसएस के बीच में जो अगला मुकाबला होने वाला है उसके लिए टॉस के लिए ऑफिशियल्स अंपायर्स एंड कमेंटेटर्स आर रेडी अलोंग विद द प्रोजेक्ट चेयरमैन सनी जी मुत्ता बैटिंग नाउ का है संस्कृति ना संस्कृति हाँ अगले टॉस के लिए रेडी प्रसाद पुराणिक के हाथ में कॉइन प्रसाद पुराणिक के हाथ में कॉइन है और अमोल कासोले कप्तान सीएसके के कप्तान अमोल कासोले और केएसएस के कप्तान कुशल जी विजन और कॉइन हु विल कॉल ओके अमोल विल कॉल कॉइन इज इन द हैंड ऑफ मिस्टर प्रसाद पुराणिक एंड और ये सिक्का उछाला जा रहा है और प्रसाद और ये सिक्का हवा में हेड इज द कॉल एंड इट इज टेल्स टेल सो नेक्स्ट बॉलर श्रेया और टॉस जीता है सीएसके कप्तान अमोल कासोले ने और अमोल कासोले से जानना होगा कि आपका फैसला क्या है सो मिस्टर अमोल व्हाट यू वन द टॉस एंड व्हाट विल योर डिसीजन वी आर गोइंग टू बैट फर्स्ट ओके सरप्राइजिंगली टॉस जीतने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी टीम ने बल्लेबाजी का फैसला लिया हुआ है सर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस पिच ड्राई है तो बैट पे बॉल अच्छी तरह से आएगा सो वी आर गोइंग टू रन अ बिग स्कोर ओके यू आर गोइंग टू सेट अ बिग टारगेट इन फ्रंट ऑफ केएसएस ओके सो व्हाट टारगेट यू आर लुकिंग फॉर अराउंड 90 ओके अराउंड 90 यू आर लुकिंग फॉर ओके सर कुशल सर तुमच्यासाठी डू अँड डाय मॅच आहे ही तुम्ही जर का जिंकलात तर सेमी फायनल आहे तर तुमची काय स्ट्रॅटेजी असेल आता आम्ही डू करणार आहे त्यांना डाय करायला लावणार बॅट्समन रेणुका सर ओके सर पहिल्यांदा असं झालंय की तुम्हाला टॉस जिंकल्यानंतर त्या संघाने बॅटिंग घेतली आहे तर तुम्हाला आनंद झालाय तुम्ही टॉस जिंकला सर काय केलं असतं आम्ही बॉलिंगच घेतली असती ओके त्यांनी बॅटिंग कशाला टॉस ओके सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज सीएसके वन द टॉस अँड दे आर गोइंग टू बॅट फर्स्ट सर चलता तिकडे जरा ऊन येते तिकडे तिकडे तुमचा ग्लो कमी नाही होणार किती करा कोणत्या तापट उन्हात पण थांबल्या तरी ग्लो कमी नाही होणार पण ते डोळ्यावर येत ना म्हणून ते मॅडमलाच माहिती आहे मॅडमला विचारावं मॅडमला कसं आहे सर राहिला तिथेच ना नवी पेठ स्कोर आहे 43 अगले गेंदबाज का नाम स्नेहल स्नेहल तोसनीवाल स्कोर है 45 जीतने के लिए चाहिए 30 रन पांच ओवर 30 रन मतलब जीत का इक्वेशन 25 गेंदे 30 रन बहुत बढ़िया शॉट देखना होगा ये कैच कर पाते हैं नहीं और ये कैच बहुत बढ़िया कैच कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी का नाम नम्रता स्टार और कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी गंगम स्टार नम्रता ओपन गंगम स्टार इस जबरदस्त कैच की वजह से गंगम स्टार
और इस कैच के वजह से प्रोजेक्ट चेयरमैन सरित मुत्ता के तरफ से नम्रता को 1100 रुपए का इनाम। गेंद पे क्या करते हैं? बहुत बढ़िया शॉट और देखना होगा कैच पकड़ा और ये कैच ड्रॉप और देखते हैं ये 2 रन हो पाते हैं नहीं, 2 रन पूरे। अब जीत के लिए 23 गेंदे 28 रन 23 बॉल 28 रन टू विन। विकेट कीपिंग बहुत अच्छी, सरित मुत्ता कीपिंग के ऊपर बहुत खुश। और ये बहुत बढ़िया गेंद, अब ओवर की आखिरी गेंद। इस ओवर के बाद सिर्फ 4 ओवर बाकी रहने वाले हैं। 21 बॉल 28 टू विन। और आज काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई। सर तुम्ही काही चांगले बोलू नका, नाहीतर पुढच्या ओव्हर मध्ये परत असं होईल। आता झालं होतं, दुसरी ओव्हर चांगली पडली आणि तिसऱ्या ओव्हर मध्ये 9 बॉल पडले, त्यामुळे आम्ही हा अब आखरी 4 ओव्हर और स्कोर है 48। बॉल मध्ये 27 रन हवेत। नेक्स्ट बॉलर समृद्धी। आणि हा व्हाइट बॉल नो बॉल, म्हणजे आता परत फ्री हिट आलेली आहे, एक अतिरिक्त धाव प्लस फ्री हिट। सर आता 16 अगोदर कमिटी मेंबरनी तारीफ केली होती की फार कमी वेळात चेंडू टाकला जातोय आणि आता लगेच त्याचा परिणाम बघायला मिळतात, त्यामुळे कृपया चांगलं काही बोलू नये। गुड शॉट, इट्स ओ शी मिस्ड इट। 2 रन पूर्ण झालेले आहेत। सुंदर फटका and it's going to be no, oh, four tiza hat tekelela hai boundary nahi tiza hat apan replay baghu yat karan ki tiza hat boundary che bahar tekelela hota apan replay baghu लेट हात टाकला आणि 1 रन वाचवलेला आहे आकांक्षाने।
ऍक्शन रिप्ले देखो ना सर ऍक्शन रिप्ले बघा ना सो विल सी ऍक्शन रिप्ले ओर ऍक्शन रिप्ले लागले वाटते प्लेयर इंजर्ड आहे तिची बॉलिंग राहिलेली आहे सुमंगला मॅम आहे ना व्या बट पड्या रोहित राहिले आणि बॉलिंग बाकी आहे अजून चालतं पण नाही ते ओनर साथे एक जिका सेकंड टीम का कॅप्टन आहे ना ते वेने के देव की मानी इनी बॅटिंग इनी बॉलिंग करी चाल लागी वे ओके के देव तर करायचं होतं ते सर नाही कीवे तर अच्छा अबे आपल्याने ऑप्शन पाहिजे जिनी ज्यादा रन खाया उन्हें देऊ नको एक्चुअली अबे उन्हें काही ऑप्शन नाही मारता ने स्नेहा मैम चलो
अच्छा ते कैमरामैन पुढचा Oh,
Scorer sir, please be seated. अरे काफी अच्छी गेंद और गेंदबाज काफी खुश अपने प्रदर्शन से. सर स्कोर क्या हुआ है? 54 आफ्टर. और ये वाइड गेंद, स्कोर इज 55 नाउ. इस ओवर के बाद सिर्फ 3 ओवर बाकी रहने वाले हैं. बहुत बढ़िया शॉट, देखना है फील्डिंग किस तरह से होती है. ओवर 56. ओवर आफ्टर एंड ऑफ 8 ओवर्स, स्कोर इज 56. अब जीत के लिए 19 रनों की दरकार है. गेंदे 15. और ये और एक बार खराब प्रदर्शन, ये डेड बॉल. और एक बार ये वाइड बॉल, गेंदे 15 रन 18. लगातार 2 गेंदे खराब, काफी खराब. और ये बहुत बढ़िया गेंद इस बारी, 14 गेंदे 18 रन. जीत के लिए 14 गेंदे 18 रन. बहुत बढ़िया गेंद और उससे अच्छा शॉट, और ये कैच होते होते बच गए. और देखना होगा ये दूसरा ले पाते हैं और दूसरे के लिए निकल पड़े. और ये रनआउट का मौका गवा दिया. रनआउट का बहुत बढ़िया मौका था क्षेत्र रक्षण करने वाली फिल्म की फील्ड टीम की ढिलाई की वजह से. 13 गेंदे 16 रन. और एक बार ये वाइड बॉल और वही पुराना किस्सा, 13 गेंदे 15 रन. गेंदों और रनों का अंतर कम होता हुआ और इसकी वजह आपके एक्स्ट्रास. ये और एक बार वही पुराना किस्सा, वही किस्सा पुराना है, वही किस्सा पुराना है. वाइड और डेढ़ गेंदों के भंवर के बीच में फंसे हमारे अंपायर. ये और एक बार डेढ़ बॉल, 13 गेंदे 15 रन. इस ओवर में लीगल डिलीवरीज 2 हुए हैं और एक्चुअल 6. बहुत बढ़िया शॉट, देखना होगा कैच कर पाते हैं नहीं, लेकिन कैच छोड़ दिया. और अब देखेंगे 2 रन हो पाते हैं नहीं, और ये 2 रन पूरे हो रहे हैं. अब तीसरे रन के लिए नहीं दौड़े. 12 गेंदे 13 रन. जीत के लिए 12 गेंदे 13 रन. बहुत बढ़िया शॉट, 1 रन तो पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं. हा ना के बीच में फंसे हुए हैं. और ये रनआउट का बहुत ही बेहतरीन मौका गवा दिया. बहुत सुंदर मौका था और ये निवाला मुंह पे आया और खाते खाते गिर गया. रनआउट होने का बहुत बेहतरीन मौका गवा दिया आपने. और आपने ये मौका नहीं गवाया, आपने मैच गवाई है. काफी अच्छी गेंद और ओवर की समाप्ति. 9 ओवर की समाप्ति. काउंट
नेक्स्ट बॉलर रितिका. रितिका 10 गेंदे 12 रन. रितिका फील्ड को सेट करते हुए काफी बड़ी चुनौती है रितिका के सामने कि इस ओवर में सेकंड लास्ट ओवर में कितने रन दिए जाए तो आखिरी बॉलर के ऊपर कम से कम प्रेशर बना रहेगा. और बल्लेबाजी करने वाली टीम ये सोचती होंगी कि इसी ओवर में मैच को समाप्त कर दिया जाए. ये 22 के दो रन मिलते मिलते रह गए लेकिन नहीं मिले. 9 गेंदे 12 रन. बहुत बढ़िया शॉट. आप देखना चाहिए इस गेंद में ये दो रन ले पाते या नहीं और दूसरे रन के लिए निकल पड़े. रनआउट का मौका बनता है या नहीं बनता है. और आज तक जो इतिहास रहा है कि रनआउट का मौका भाई कई बार बना, तैयार भी हुआ लेकिन नहीं खा पाए. 2 रन पूरे 8 गेंदे 10 रन. जीत के लिए 8 गेंदे 10 रन. और एक बार कैच कैच की प्रैक्टिस के अंदर नो बॉल और फ्री हिट. अब 8 गेंदे 9 रन. फ्री हिट और फ्री हिट को जाया करते हुए बल्लेबाज और फील्डिंग करने वाली टीम इतने आराम से फील्डिंग कर रही थी कि बैट्समैन ने न चाहते हुए भी एक रन ले लिया. ओके, ये एक रन नहीं मिलेगा, रन काउंट नहीं होने वाला, स्ट्राइक चेंज मत कीजिएगा. ये रन नहीं मिला है सर, स्कोर की जाना. हाँ, 7 गेंदे 9 रन. और बहुत बढ़िया शॉट था, कैच की कोशिश और रन आउट का मौका फिर एक बार गवा दिया. 2 रन लेना चाहिए उन्होंने आइडियली और 2 रन के लिए निकल पड़े. रन आउट का मौका फिर एक बार बना और फिर एक बार वही पुरानी कहानी. कहानी हर टीम की कि रनआउट का मौका मिलेगा, बार बार मिलेगा लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठाएंगे. 6 गेंदे 7 रन. और सर जाले ना, 6 गेंदे 7 रन. बहुत अच्छा शॉट, एक रन तो डेफिनेटली ले लेना चाहिए और एक रन पूरा. और फील्डिंग करने वाली टीम की थोड़ी रिस्पेक्ट रखते हुए सिर्फ एक ही रन लिया. ओवर की समाप्ति. गेंदे 6 रन. गेंदबाजी करने वाली टीम गहरी चिंता में. हम करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या. कितने वाइड डाले, कितने डेढ़ डाले, 22 दे या कड़क फील्डिंग करके जोरदार जज्बा और हिम्मत दिखा के 6 रन डिपेंड करे. अगर ये टीम 6 रन डिपेंड करती है तो CAPL के 350 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा. और हमारे कैमरामैन की राय है कि अगर ये वाइड ना डाले तो भी मैच जीत पाएंगे. बॉलर बॉलर गेंदबाज का नाम और डेड बॉल. और एक बार वाइड बॉल और इस वाइड बॉल के साथ स्कोर है 70. जीत के लिए चाहिए 5 रन. 5 गेंदे 5 रन. 5 balls 5 runs रिक्वायर्ड. और एक बार ये डेड बॉल और ये डेड बॉल है. ये 2 रन नहीं मिलेंगे. डेड बॉल है. 2 रन नहीं मिलेंगे. बहुत बढ़िया शॉट और फील्डिंग काफी अच्छी आखिरी ओवर की रिस्पेक्ट रखते हुए. 4 गेंदे 4 रन. जीत के लिए 4 गेंदे 4 रन. ये और एक बार वाइड बॉल हो रही थी लेकिन काफी अच्छा शॉट. देखना होगा ये चौका होता है या नहीं. और इस चौके के साथ मैच की समाप्ति और मैच जीते हुए फ्लाइंग स्क्विरल्स
जोरदार मैच के। अरे देखो ना फिर फेंको ना, दो मिनट। अरे ये एक्शन रिप्ले देखना होगा, एक्शन रिप्ले देखो, एक्शन रिप्ले। फील्डर नहीं ना, फील्डर ने बॉल को क्यों उठाने से छोड़ दिया? अगर आपको लगता था कि ये चौका नहीं, तो आपने तुरंत उठा के तीन रन। एक्शन रिप्ले में देखा गया कि बाउंड्री लाइन के नजदीक जाके गेंद रुक गई, और गेंद जैसी रुकी थी क्षेत्र रक्षण ने वैसी रहने दी। एक रन की जरूरत, तीन गेंदे एक रन। और अरे वो एक रन रन आउट का और एक बार मौका बना था, लेकिन जिस तरह इतिहास रहा है, रन आउट नहीं किया। और इसी के साथ जीत। और एक बार चेसिंग करने वाली टीम ने जीत हासिल कर दिए। फ्लाइंग स्क्विरल्स शानदार जीत के साथ मैदान में जश्न मनाते हुए। और जीतने वाली टीम का जोरदार सेलिब्रेशन जारी। दे ऑल आर वेरी हैप्पी। और अगली टीम केएसएस वर्सेस सीएसके। सॉन्ग प्लीज सर। गाने की दर नाश्ता ले रहा। काय म्हटले सर? कवीट कर सर, नाश्ता लिया ना? कवीट कर सर, नाश्ता लिया।